होशियार अंधेर नगरी के महाराज चौपर राजा पधार रहे हैं। मंत्री जी महाराज, आगे तू कुछ आता है? श्यामा महाराज, राजा तू है कि मैं? आप तो आगे कौन चलेगा? आप चलेंगे। खामोश मंत्री जी महाराज, इधर उधर देखोगे ही कि मुझे उठाओगे भी? फिर से बोलो जी। इधर उधर देखोगे ही कि मुझे उठाओगे भी? जी महाराज। मंत्री लगता है पक्का सो गया होगा। देखो जरा, देखा पक्का सो गया मंत्री जी महाराज। आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। सिपाही, आज की कार्रवाई शुरू करो। फरियादी हाजिर हो। अच्छा ये बताओ, सब तो ठीक है, मुझे लात किसने मारा है? पीते वाले ने। दुआई हो महाराज, दुआई हो। तुमको क्या हुआ? महाराज दीवार गिर पड़ी। तो क्या हुआ? महाराज दीवार, महाराज बकरी दब गई। फिर से दुआई। ये गिरते वहाँ पे ना तो बोलते ये क्या सच होता है? महाराज दिन ही खराब है, सुबह से गिरते पड़ते आ रहे पड़ते। चल आ जाओ, वहाँ गिरोगे तो बॉडी बनाना और जोर से बोलना। चल अच्छा ये बताओ, सब तो ठीक है, मुझे लात किसने मारा? आगे वाले ने। अरे यार तू इधर गिरता पड़ता रहता है क्या? नहीं महाराज, सुबह से मेरा दिन खराब है, सुबह से गिरते पड़ते आ रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? महाराज दीवार गिर पड़ी। तो क्या हुआ? महाराज बकरी दब गई। फिर से महाराज बकरी दब गई। महाराज बकरी दब गई। तो क्या हुआ? महाराज बकरी मेरी थी। तो क्या हुआ? महाराज बकरी उसकी थी। बकरी इसकी थी? जी महाराज। तो दीवार किसकी थी? महाराज दीवार सब्जी वाली की थी। सब्जी वाली की? जी महाराज। ठीक है तुम जाओ। लाउड। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। जी महाराज। मंत्री जी महाराज, सब्जी वाली को बुलाओ। सब्जी सिपाही, सब्जी वाली को हाजिर करो। फिर से बोलो। सब्जी वाली मंत्री। मंत्री जी महाराज, सब्जी वाली को बुलाओ। सिपाही, सब्जी वाली को हाजिर करो। सब्जी वाली फिर से करो। चलो कंटिन्यू करो। सिपाही, सब्जी वाली को लेकर आओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया। हाँ, हमने इसलिए बुलाया तुम्हें कि तुम्हारे दीवार के नीचे एक बकरी आके मर गई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कसूर उस कारीगर का है जिसने इतनी खराब दीवार बनाई, दीवार गिर पड़ी। अच्छा इसमें मतलब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है? तो गलती है किसकी? कारीगर की। कारीगर की? हाँ। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। मंत्री 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 लगता है फिर से पक्का सो गया होगा, पता नहीं किस बात की पगा लेता है। चार महीने से पगा ना दिए महाराज। महाराज मेरे एक साल से नहीं दिए। अरे मंत्री मंत्री जी महाराज, कारीगर को बुलाओ। सिपाही, कारीगर को हाजिर करो। कारीगर हाजिर हो। प्रणाम महाराज, कहाँ दीवार बनानी है? तुम्हारे से तो यह दीवार बनती नहीं, दीवार बनाओगी। तो बोल बोल रहा है।
कौन सी दीवार महाराज? कौन सी दीवार मंत्री? सब्जी वाली की महाराज। सब्जी वाली की? अच्छा वो, माफी महाराज माफी। अच्छा वो, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं महाराज, चूने वाले ने। जोर से इधर आके बात करो। चलो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से कौन सी दीवार महाराज? वही दीवार। कौन सी मंत्री? कौन सी? सब्जी वाली की। सब्जी वाली की? तुम यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या फैज? चलो फिर चलो यहाँ से। हाँ कौन सी दीवार महाराज? कौन सी दीवार मंत्री? सब्जी वाली की महाराज। सब्जी वाली की? अच्छा वो, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं महाराज। पीछे आके बात कर। माफी महाराज माफी, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं महाराज, चूने वाले ने इतना खराब चूना बनाया। पीछे आके बात कर। माफी महाराज माफी, चूने वाले ने इतना खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। हर बार बोल रहा, पीछे आके बात कर। माफी महाराज माफी। तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है? नहीं महाराज। तो गलती है किसकी? चूने वाले की। चूने वाले की? हाँ ठीक है। तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा पांव ऐसे हिलता रहता है क्या? नींद में भी चलता है महाराज। ठीक है जाओ जाओ, तुम्हारे साथ प्यार जरूर होगा। अब पौन चल रहे? अब पौन चला तुम्हारा? अब चलना नहीं है, अब पाँव नहीं। माफी महाराज माफी। नहीं फिर से बेटा, फिर से बोल। पाँव नहीं चल रहा है। अब तुम्हारा पाँव नहीं चल रहा है, नींद में तो चल रहा है। अब तुम्हारा पाँव नहीं चल रहा है, नींद में तो चलता है। जाता महाराज जाता। तो उनको पढ़ी ये बताओ, बस्ती है किसकी? चूने वाले की महाराज। चूने वाले की? हाँ ठीक है जाओ। मंत्री जी महाराज, हाजिर करो चूने वाले को। हाँ तुम भी मेरे साथ रह रह के बुद्धिमान हो गए। सिपाही चूने वाले को हाजिर करो। चूने वाला हाजिर हो। अरे 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 अरे, ठहरो ठहरो। जी महाराज, आपको चूना लगा दूँ? लाउड, आपको चूना लगा दूँ? अरे पहले तुम ये बताओ, तुमने इतनी खराब दीवार में चूना क्यों लगाया? फिर से बोल, फिर से बोल। तुमने इतना खराब दीवार में चूना क्यों लगाया? महाराज कौन सा खराब चूना, मैं तो बहुत सारे खराब चूने बना चुका हूँ। मंत्री जी महाराज, कौन सा चूना मंत्री? सब्जी वाली का। सब्जी वाली का? अच्छा वो महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भिस्ती ने चूने में इतना पानी डाला कि चूना खराब हो गया। सबको बोल शोर ना करें। अच्छा पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा हाथ कैसे हिलता रहता है क्या? जी महाराज, चूना कभी भी लगाना पड़ सकता है, इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। ठीक है सुन जाओ, तुम्हारा साथ न्याय जरूर होगा। जी महाराज। पहले ये बताओ किसकी गलती है? महाराज भिस्ती की। ठीक है, ये तुम्हें क्या देख रहे हो? महाराज वो सो रहे थे। मंत्री जी महाराज। ठीक है तुम जाओ। किसी का हाथ चलता है, पता नहीं तुम कहाँ बेवकूफ। क्या बोल रहे हो? सर मैं तुम बोलने जा रहा ना लेके ही जा। मंत्री जी महाराज, तुमने एक चीज देखा क्या? किसी का हाथ चलता है, किसी का पांव चलता है, किसी को नींद लगता है। चल चल कर कर। जी महाराज। रुक पहले ये बता, गलती है किसकी? भिस्ती की महाराज। ठीक है चल कर। चूना लगाओ चूना लगाओ चूना लगाओ। मंत्री जी महाराज, भिस्ती को हाजिर करूं? हाँ सिपाही, भिस्ती को हाजिर करो। भिस्ती हाजिर हो। जोर से उसको पहले बोल लेने दे, तब तू बोल बेटा। हाँ फिर से आओ, और वाला पैर यूज करो, वाला पैर। अब कितना रखेगा? पहले दिन तो रखा था, हटा यहाँ से। महाराज पहले से लग पड़ी थी आपने तो, और जोर से। महाराज पहले से तो लगी पड़ी थी आपने तो, और मार दिया। वो तो तुम छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, तुमने इतना खराब चूना क्यों, इतना पानी में चूना क्यों मिलाया? फिर से बोलो। मैं और कौन? तुम
तुमने इतना खराब चूना क्यों पानी में डाला? हाँ? तूने इतना खराब चूना क्यों बनाया? तुमने इतना खराब चूना क्यों बनाया? महाराज मेरी कोई दोस्त नहीं है। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, सारी गलती कसाई की है। रुक के बोल आराम से। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, सारा दोष कसाई का है। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, सब दोष कसाई का है। अच्छा, मतलब इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तो गलती है किसकी? कसाई की। कसाई की, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। अरे तुम्हारा बहुत सीधा हो गया। महाराज कभी कभी जोर से। महाराज कभी कभी मंत्री जी। महाराज अभी कसाई को बुलाओ। सिपाही कसाई को हाजिर करो। कसाई हाजिर हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे तुम ये बताओ, तुमने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई? महाराज गडेडे ने 1% शेर में इतनी बड़ी भेड़। अरे तुमने बताओ तो भेड़ू। क्षमा महाराज, इतनी बड़ी भेड़ पे चीख की मशक बड़ी बन गई। अच्छा, इसमें तो तुम्हारा भी कोई गलती नहीं है। हाँ महाराज। गलती है किसका? महाराज गडेरे की। गडेरे की? मंत्री तुमने चीज देखा क्या? इसका हाथ भी ठीक है, पांव भी ठीक है, इसको नींद भी नहीं आती है। महाराज एक समस्या है। क्या? कि मेरा दिमाग को कभी कभी दौरे पड़ते हैं। वो तो ठीक है मंत्री। जी महाराज। फिर आ गया मेरे साथ। अरे अरे मंत्री, तू तो आ गए। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझसे कोई गलती हो गई? महाराज मुझसे कोई गलती हुई? कुछ गलती नहीं हुई तुम्हारे साथ, तुम जाओ। अब पहले ये बताओ गलती है किसकी? महाराज गडेरे की। ठीक है तुम जाओ, वापस आना मत। जी महाराज। मंत्री। जी महाराज। गडेरे को बुलाओ। मैंने सोचा था नहीं और नहीं तो क्या? हाँ वही ना मंत्री, मैंने सोचा था। फिर से। मंत्री मैंने सोचा था कि इस नगर में मैं दौरे कर रहा हूँ, पर इसका दौरा देख के मेरा दौरा कैंसिल। जी महाराज किसको बुलाऊं? सिपाही गरेड़ी को हाजिर करो। गरेड़िया हाजिर हो। महाराज आपने बुलाया क्या? हाँ बुलाया। मुन्नी आजा। ये मुन्नी है कौन? मुन्नी मुन्नी को ही कहते, सात गांव में सबसे सुंदर है वो भेड़। भेड़? अरे अरे मंत्री पहले ये कहो कि हमें मुन्नी तो डर लगता है। मुन्नी को आता हूँ यहाँ से। मुन्नी मुन्नी रुक रुक, आता हूँ आता हूँ। जी महाराज आपने क्यों बुलाया महाराज? पहले ये रख। जी महाराज पहले तुम ये बताओ, तुमने 1% शेयर में इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, उसे तो कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। तुम रो क्यों रहे हो? महाराज मुझे फांसी पे चढ़ा रहे महाराज। हमारे हमारे कोतवाल साहब। हाँ जी महाराज कोतवाल साहब। क्या ये हो क्या रहा है, क्या बोल रहे? एक आफाजी का एक आ था सर, लास्ट प्लान था हमारे कोतवाल साहब। जब हमारे कोतवाल साहब बोलो तभी बोले जी महाराज। सर एक फांसी में फांसी था ही नहीं था ना, फांसी था। अरे सर ये बोलेंगे अपनी लाइन बोल। महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। अच्छा इसमें मतलब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। गलती है किसकी? कोतवाल साहब। कोतवाल साहब की? हमारे कोतवाल साहब। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। ये ले लो। जोर से बोल। हाँ ले लो। जी महाराज जा रहे। मुन्नी चल। देखा मंत्री। जी महाराज हम बुद्धिमान है कि नहीं? जी हाँ बुद्धिमान। उनको लेने से पहले ही हम बैठ गए थे। जी महाराज किसको बुलाऊं अभी? हमारे कोतवाल साहब। सिपाही कोतवाल को हाजिर करो। कोतवाल साहब। कोतवाल साहब बोल रहे हैं। कोतवाल बोल रहे हैं। कोतवाल हाजिर हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तुम ये बताओ तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली?
निकाली। महाराज बहुत पैसा है मेरे पास। हमारे पास एक जूता नहीं है, दिला देते। माफी महाराज माफी। तुम पहले ये बताओ, तुमने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज मैं तो बस शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। हम ये सब नहीं सुनेंगे, हम सीधा तुम्हें फांसी होके रहेगी। हम ये सब नहीं सुनेंगे, तुमने गलती की है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें होगी और तुम्हें इतना बोल वो फांसी वो मिलेगा। हाँ तुमने गलती की है, तुम्हें फांसी जरूर होगी। ये सजा 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 बोलेंगे ना वो। हाँ तुमने गलती की है, तुम्हें सजा हो के रहेगी और तुम्हें फांसी जरूर होगी। बैठ उस बैठ। हाँ फिर से बोलो, फांसी में बोला है और तू फिर से बोला करना। तुमने गलती की है और तुम्हें गलती फांसी तुमने गलती की है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें बस इतना बोलना है। तुमने गलती की है, तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें फांसी हो के रहेगी। कौन बोलेंगे? खामोश। राजा कौन? आप महाराज। फैसला कौन सुनाएगा? आप महाराज। हम हमारा फैसला सुन, अब तुम्हें फांसी होकर रहेगी मंत्री। यह तो बड़ा गजब हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ सारी नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री जी महाराज, तुमने कुछ कहा? अरे नहीं महाराज। ठीक है, इनके फांसी का तैयारी किया जाए। सिपाही फांसी को चलाओ। अंधेर नगरी चौपट राज। जी महाराज पे जा रहे हो ना? जी महाराज। तो अपने एक जूता दे के जाओ। अब तो फांसी पे ही जा रहा हूँ, ले लीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आप लोग देखिए पांचवा दृश्य, जंगल में बैठे गोवर्धन दास मिठाइयां खा रहा है और दूसरी ओर से सिपाही आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये सही रहेगा ना? हाँ हाँ काफी बंदा ही बराबर होगा। हाँ। क्या हुआ भाई, मिठाई की है? नहीं नहीं खा 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 मेरा रूम मोटे हो चुके ना। हाँ तब उसने मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं, फांसी होगी तब सुनेंगे। फांसी है हंसी सब सब बोल। जब फांसी होगी ना तब सुन जाएगा, फांसी है या हंसी। फांसी? हाँ। मुझे? हाँ। पर क्यों? खा खा रहे बहुत मोटे हो गए हो। आराम से ये खा खा रहे बहुत मोटे हो चुके हैं। मोटे से मैं फांसी? यहाँ का कहना है? यहाँ का बात क्या है जो मुझ बेकसूर को फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? वो हुआ कुछ क्यों कि बकरी मरने का अपराध में कोतवाल साहब को होनी थी फांसी। और कोतवाल साहब ठहरे दूल्हे पतले और फांसी का और फांसी का भरना था बड़ा। चले बात तो सही कह रहे हो। फिर बोल पूरा ये वाला बात। ये बकरी मरने का अपराध को तो होनी थी फिर से बकरी मर वो कुछ हुआ कुछ यूं। फिर से आराम से बोल, कोई जल्दी नहीं है। वो हुआ कुछ यूं कि बकरी मरने के अपराध में कोतवाल साहब को होनी थी फांसी। अब कोतवाल साहब ठहरे दूल्हे पतले और फांसी का भरना था बड़ा। इस तो चले बात तो सही कह रहे हो। चलो लड़की फांसी जोर से। बात तो सही कह रहे हो, लड्डू तो खा लूं। खा लीजिए। क्या हो गया? खाकर हो गया खरड़ू आ गए। ओके कहाँ जाना है? लड्डू खा लूं ने खाई नहीं। ओके बात तो सही, ठीक है तो चलो बस तो लेके जाओ। चलो कहाँ? फांसी सीधे सड़क के लेके चले घसीट के। चलो लेकर कहाँ बारात में जा रहा? फांसी की तो जा रहा। चलो अब आप लोग देखिए छठवां दृश्य, फांसी के स्थान पर सिपाही गोवर्धन दास को लेकर के आते हैं। अंधेर नगरी चौपट मेरे गुरु जी का गहरा नाम आना, मुझे उनकी कपल मिला है। गुरु जी का नारायण नारायण गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए। गुरुजी
जी गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जीत के फिर से बोल। दीवार के नीचे बकरी दब कर मर गई जिसके कारण मुझे फांसी दी जा रही है। अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा था। जी गुरु जी, मैंने आपका कहना ना माना, मुझे उल्टी का फल मिला है। बेटा गोवर्धन दास, और खाओ 7 पैसे में। बेटा माफ। नहीं गुरु जी, चलने तो फांसी। गुरु जी जाने तो, फांसी पे तो लटक रहा है। चल गुरु जी, बचाने का सोच रहे और तुम लटकाने का सोच रहे। भाइयों, मुझे अपने शिष्य को कुछ अंतिम उपदेश देना है, क्या मैं दे सकता हूँ? जी गुरु जी। तब तो गुरु जी हम चलेंगे फांसी पर। हम चलेंगे फांसी पर। तुम दोनों का गुरु कौन? हम चलेंगे फांसी पर। हमें चढ़ा फांसी पर। नहीं गुरु जी, हमको हुक्म मिला है। हम चलेंगे फांसी पर। नहीं, हम चलेंगे फांसी पर। ये फांसी में 3-3 कैंडिडेट, आखिर बात क्या है? नहीं बताएं। बताएं। अंधेर नगरी चो, हम चलेंगे फांसी पर। हम चलेंगे फांसी पर। पहले सब कुछ चुप कराओगे तब बोलोगे ना क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर से हम चढ़ेंगे फांसी पर। हम चढ़ेंगे फांसी पर। अरे हमको हुक्म मिला है। अरे हम चढ़ेंगे फांसी पर। हम चढ़ेंगे। खामोश मंत्री सिपाही, ये क्या हो रहा है? महाराज, गुरुजी कहते हम चढ़ेंगे फांसी पर, चेले कहते हम चढ़ेंगे फांसी पर। पता नहीं बात क्या है। तुम चढ़ोगे फांसी पर? हाँ। और तुम भी? जी महाराज। और गुरुजी आप भी चढ़ेंगे? जी महाराज। गुरुजी? हाँ जी महाराज। इधर आओ। वही है महाराज। ये क्या है सर? बच्चा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम जाएंगे पास। आप लोग का राजा कौन? आप महाराज। बुद्धिमान कौन? आप महाराज। तो फांसी पर कौन चढ़ेगा? आप महाराज। नहीं महाराज, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे फांसी पर। महाराज, हम चढ़ेंगे फांसी पर। मारे कारण तो बकरी मरी थी। पीछे घूम। हम चढ़ेंगे फांसी पर। हट महाराज। तो स्वर्ग कौन जाएगा? आप महाराज। हम जाएंगे। कौन बोला? खामोश मंत्री। जी महाराज। हमारे फांसी का तैयारी किया जाए। हमारे फांसी की? हमारे फांसी की तैयारी किया जाए। सिपाही, फांसी में महाराज, आप फांसी पर जा रहे हैं तो जो हमारा जूता लिया था वो हमें लौटा दीजिए। मंत्री जी महाराज, हमारे फांसी का तैयारी किया जाए। हमारे फांसी की? हमारे फांसी की तैयारी किया जाए। सिपाही, फांसी पर चढ़ाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, करके शेर भाई।